हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ज़की। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपके सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में नेटवर्क का दिक्कत आ रही है, कॉल करने में, नेट यूज़ करने में स्पीड प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर कॉलिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छा साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में M1UI 4 इंस्टॉल कर चुके हैं तो मेरे पास बहुत सारे से कमेंट आ चुके हैं सब्सक्राइबर भाइयों का कि उनको नेटवर्क की परेशानी हो रही है, नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है जब से M1UI 4 को इंस्टॉल किए हैं। तो गाइस, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं आज के वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है, यहाँ पर जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिया जाता है जिसका नाम है जनरल मैनेजमेंट। यहाँ देख सकते हैं आपको मिल जाता है जनरल मैनेजमेंट, इस पर टैप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जनरल मैनेजमेंट आपका ओपन हो जाता है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक फीचर दिया जाता है रीसेट का, ठीक है। तो रीसेट नहीं करना है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पर टैप कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक फीचर दिया जाता है जिसका नाम है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और सिम सेलेक्ट कर लेना है कि सिम 1 या सिम 2। तो अगर आप लोग सिम 1 से यूज़ करते हैं तो सिम 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिम 2 से यूज़ करते हैं तो सिम 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सिम 1 यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रीसेट सेटिंग्स पर टैप करूँगा और यहाँ पर पिन डाल दूँगा, जो आपका पिन है फ़ोन का वो डाल दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट पर टैप कर देना है। रीसेट पर टैप करने के बाद गाइस आपके नेटवर्क का सेटिंग जो है वो फिर से रीसेट हो जाएगा और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाएगा। और जो भी दिक्कतें हो रही थी पहले सेटिंग्स को लेकर, आपने उल्टा सीधा सेटिंग कर लिया होगा या फिर कुछ भी दिक्कत होगा, वो यहाँ पर कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर स्पीड जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कितना आपको स्पीड जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। मैं आप लोग को यहाँ पर चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मेरा डाउनलोडिंग स्पीड आ रहा है 23 MBPS, तो ये काफ़ी कमाल का स्पीड है। और अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर 5 MBPS जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग जाकर ट्राई कीजिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि उसको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो चले तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।